बहुत जल्द टाटा नगर रेलवे स्टेशन अब अपने नए रूप में नजर आएगा। लगभग 550 करोड़ की लागत से टाटा नगर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य 6 महीने के अंदर शुरू होने वाला है। इसे लेकर डीआरएम एजे राठौर ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया का निरीक्षण किया। उनके द्वारा जुगसलाई रेलवे फाटक के निकट बने नए रेलवे ओवरब्रिज के पास पैदल जाने वाले राहगीरों को हो रही परेशानी को देखते हुए जल्द ही बनाए जाने वाले एफओबी के लिए भी निरीक्षण किया गया। चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम एजे राठौर ने कहा कि 6 महीने के अंदर टाटा नगर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेशन एरिया का क्लेनल्स बढ़ाए जाने के ऑप्शन, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, गार्बेज डिस्पोजल पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि एफओबी के लिए भी स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्य शुरू हो सके। वहीं रेल लाइन के किनारे जुगसलाई फाटक से लेकर स्टेशन रोड तक नई सड़क बनाए जाने पर भी विचार करने की बात कही गई। लगातार स्टेशन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बड़ा इम्प्रूवमेंट चलते ही रहेगा। आज स्पेसिफिकली हमारा प्लान था कि जो स्टेशन रीडेवलपमेंट का साइट से प्रेजेंटेशन देखा हमने, जो लास्ट टाइम हम कंसल्टेंट को बताया उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो एक चीज़ था। दूसरा, स्टेशन एरिया का क्लीनलीनेस बढ़ाने का क्या क्या ऑप्शंस है, या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, गार्बेज डिस्पोजल, उसका भी हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं। तीसरा, यहाँ पे जो एफओबी सैंक्शन हो गया, अभी अवार्ड हो के काम स्टार्ट होने वाला है, तो वो काम जो कहाँ से कहाँ कितना विड्थ रहेगा, कितना लंबा रहेगा, उसका भी साइट विजिट करने का उद्देश्य, ताकि अगर कोई इधर और उसके पैरेलल उधर अगर डीकंजेस्ट होने का सुविधा हो सकता है कुछ किसी भी कारण, या थोड़ा ट्रैफिक सब ट्रैफिक इधर जाए, थोड़ा ट्रैफिक उधर भी जाए, वो ऑप्शन है। तो ये वो सिर्फ स्टडी करने का प्लान है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।